हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th की एनसीईआरटी, और जिसका आज का टॉपिक है कपड़े हमारे आसपास। ये लेसन 5 है, और इससे पहले कि आपने क्लास ना देखी हो तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ लिखा होगा क्लास 11th एनसीईआरटी, और वहाँ जाके इससे पहले के लेसन आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी लाइव क्लास की नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप मेरी क्लास अटेंड कर सकते हैं। फ्रेंड्स, रोज़ दोपहर 3 बजे आपकी क्लास 11th की एनसीईआरटी चलेगी। चलिए शुरू करते हैं। कपड़े हमारे चारों ओर हैं, जो कपड़े हैं वो हमारे चारों ओर हैं, वे हमारे जीवन का महत्वपूर्ण भाग है, और ये हमारे जो जीवन है उसका क्या जो महत्वपूर्ण भाग है। कपड़े हमें आराम और ऊष्मा प्रदान करते हैं, जो कपड़े हमें आराम भी प्रदान करते हैं और ऊष्मा मतलब गर्मी भी प्रदान करते हैं। इसमें विभिन्न रंग, सजावट, शैली और बुनावट होती है। इसमें जो कपड़े होते हैं उसमें तरह तरह के रंग होते हैं, सजावट होती है और बुनावट होती है। किसी एक दिन के कार्यकलाप के बारे में सोचें और याद करें कि स्पर्श आपको कैसा लगता है, मतलब छूना आपको कैसा लगता है। बिस्तर से उठने पर आपके चादर तकिया के लिहाफ कपड़े के ही होते हैं। जब आप बिस्तर से उठते हो तो आपकी जो चादर है वो तकिया का लिहाफ कैसा होगा, कपड़े का होगा। जब आप स्कूल के लिए तैयार होते हैं तो नहाने के बाद जिस तौलिया का उपयोग करते हैं वह एक नरम और सोखता हुआ कपड़ा होता है। आप स्कूल की ड्रेस पहनते हैं वह भी एक विशेष प्रकार का कपड़ा ही होता है। जो आप स्कूल की ड्रेस पहनते हो वो एक विशेष प्रकार का कपड़ा होता है। जिस स्कूल बैग में आप अपनी किताबें, अन्य वस्तुएं ले जाते हैं वो कपड़ा ही है, लेकिन इसकी बनावट अलग प्रकार की होती है। इसकी बनावट कैसी होती है, अलग प्रकार की होती है, वो अलग तरह से बुना होता है। यह थोड़ा सख्त होता है, कुछ खुदरा होता है, लेकिन बाहर उठाने के लिए काफ़ी मजबूत होता है। आप अपना घर देखिए, लगभग सभी स्थानों पर कपड़े पाएंगे। जरूर सही, अगर हम अपना घर देखेंगे तो हम हर जगह कपड़े पाएंगे। जैसे आप देखते हो कि पर्दों से लेकर किचन के डस्टर तक आप देखते हो, जो डस्टर होता है वो भी कपड़े का होता है, पर्दा भी कपड़े की होती है, पोछा से लेकर दरी सब किसकी बनी होगी, कपड़े की होगी। कपड़े वजन मोटाई में भिन्न प्रकार के होते हैं। जो कपड़े होते हैं वजन में मोटाई में डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के होते हैं, उनके चयन का संबंध उनके उपयोग के अनुसार होता है। अगर हम उसका चयन करें, अगर हम पोछा लगाने के लिए कर रहे हैं तो उसी के अनुसार पोछा लगाने के अकॉर्डिंग कपड़े का चयन करेंगे। हाँ, आपने कोई विशेष कपड़ा लेकर उसे खोलते हैं तो आप अधिकांश में धागे जैसी संरचना निकाल सकते हैं। अगर हाथ में कोई विशेष कपड़ा है उसे लेकर खोलेंगे तो आप अधिकांश में धागे जैसी संरचना निकाल सकते हैं। ये एक दूसरे के समकोण पर अंतर्ग्रथित और आपस में गुथे हुए होते हैं। जैसे ये देखिए, कपड़े से धागे तक आप देखते हो, ये कपड़ा है, जब इसका सिरा होता है तो इसमें कैसे धागे, ये धागे निकले हैं, ये कपड़ा है और ये धागा। ऊनी कार्डिगन अथवा टी शर्ट में होता है गुथे होते हैं, जैसे कि आप देखते हो ऊनी कार्डिगन टी शर्ट में होता है, इनकी गांठ बंधी होती है। आप देखते हो कि ऊनी कार्डिगन और टी शर्ट में धागा निकला होगा, उसमें क्या होगी, ऐसे क्या कि ये धागा निकल यहाँ पे गांठ बंधी होगी। दुपट्टे वगैरह में भी आप देखते हो इनकी गांठ बंधी हुई होती है, जैसे जाल अथवा लेस में होता है। इन्हें क्या कहते हैं, सूत कहते हैं। क्या कहते हैं, याद रखिएगा, ऊनी कार्डिगन और टी शर्ट में आप देखते हो, आपने देखा होगा दुपट्टा वगैरह में ऐसे करके यहाँ पे ऐसे गांठ बांध देते हैं और ऐसे धागे निकले रहते हैं, तो ये क्या सूत होते हैं। तो ऊनी कार्डिगन टी शर्ट में होता है, इनकी गांठ बंधी हुई होती है, जैसे आपका जाल है लेस में होता है, आप देखते हो इन्हें क्या कहते हैं, सूत। अगर आप सूत को खोलने का प्रयास करते हैं तो आप छोटे और स्पष्ट पतले धागे जैसी संरचना पाते हैं, और जब हम क्या करेंगे, इन सूत को हम खोलने का प्रयास करेंगे तो स्पष्ट और छोटे पतले धागे जैसी संरचना पाएंगे। ये क्या होंगे, रेशे होंगे। ये रेशे सभी वस्त्रों की मूल इकाई हैं, और ये रेशे सभी वस्त्रों की क्या है, मूल इकाई हैं। रेशे, सूत, कपड़ा, इन सभी वस्त्रों को वस्त्र उत्पाद अथवा वस्त्र कहा जाता है।
तो आप बात ये ध्यान रखिएगा कि रेशे, सूत और कपड़ा, इन सभी वस्तुओं को वस्त्र उत्पाद अथवा वस्त्र कहा जाता है। एक बार तैयार होने के बाद आगे कई बार कपड़े को संसाधित किया जाता है। संसाधित करने से कपड़े की बनावट में सुधार आ जाता है। अगर संसाधित करेंगे तो सफाई, चमकाना, रंग करना, ये कपड़े को अधिक चमकीला बना देता है। इसके स्पर्श की गुणवत्ता को बढ़ा देता है, इसे टिकाऊ बना देता है। इसे परिष्कार यानी फिनिशिंग कहा जाता है। जब आप इसमें देखते हो सफाई, चमकाना, रंग करना, फिर इसको चमकीला बना देता है, स्पर्श की गुणवत्ता को बढ़ा देता है, टिकाऊ बना देता है, तो इसे क्या कहेंगे? फिनिशिंग कहेंगे, परिष्करण कहेंगे। आजकल बाज़ार में कई प्रकार के कपड़े उपलब्ध हैं और प्रत्येक की अलग अलग उपयोगिता है। उपयोग किए जाने वाला कपड़ा कैसा है, इसका अनुरक्षण कैसे किया जाए, यह रेशा, सूत, कपड़ा, परिष्करण जैसे विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। तो ये कि प्रयोग किया जाने वाला कपड़ा कैसा है, इसका अनुरक्षण मतलब इसको कैसे, इसकी रक्षा की जाए, ये कैसे, ये इसकी रेशा, सूत, कपड़ा, उसके परिष्करण यानी फिनिशिंग जैसे विभिन्न कारकों पर क्या करेगा, निर्भर करेगा। रेशे के गुण, तो आप इस बात रेशे के गुण कपड़े के गुण को निर्धारित करते हैं। रेशे के गुण किसको निर्धारित करते हैं? कपड़े के गुण को निर्धारित करते हैं। रेशा सचमुच महत्वपूर्ण उपयोगी हो, इसके लिए उसे भारी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए। जो रेशा है, रेशे के गुण, कपड़े के गुण, जैसा रेशे का जो गुण है वो किस पे, जो कपड़ा है उसके गुण पे निर्धारित होगा। रेशा सचमुच महत्वपूर्ण होता है, उपयोगी होता है, इसके लिए उसे भारी मात्रा में उपलब्ध होना चाहिए और किफ़ायती होना चाहिए। सबसे अनिवार्य गुण है कि उसकी कताई योग्य हो। उसकी कताई कैसी योग्य हो, या इसको सूत और कपड़े में सरलता से परिवर्तित करने वाली अनिवार्य आवश्यकता है। जैसे लंबाई, मजबूती, नमिता रेशे की ऊपरी बनावट है। उपभोक्ता की संतोष की दृष्टि से रंग, चमक, भार, आर्द्रता, डाई अवशोषण, लोच जैसे गुण इसमें वांछनीय होते हैं। कपड़े की देखभाल, अनुरक्षण, जो कपड़े की उसकी देखभाल करना, उनका रक्षण को प्रभावित करने वाले कारक जैसे अवघर्षण, प्रतिरोधक क्षमता, रसायन, साबुन, डिटर्जेंट, ताप आदि का प्रभाव, जैविक जीवों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी उपभोक्ता के लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण है। वस्त्र रेशों का वर्गीकरण, वस्त्र रेशों उनके उद्भवन के आधार पर, जो वस्त्र का रेशा है उसके उद्भवन के आधार पर है, जैसे प्राकृतिक अथवा मानव निर्मित अथवा विनिर्मित। समान रसायन के प्रकार के आधार पर, जैसे सेल्युलोसिक, प्रोटीन और सिंथेटिक। जातिगत प्रकार के आधार पर लिख लीजिए, जैसे जंतु के रोम अथवा जंतु स्राव। समान ट्रेड नाम के आधार पर, जैसे पॉलिस्टर है, टेरिडीन है, डेक्रॉन है, वर्गीकृत किया जा सकता है। इसे कम लंबाई वाला जैसे कपास या तंतु, अधिक लंबाई वाले को जैसे रेशम, पॉलिस्टर आदि की कोटि में बांटा जा सकता है। प्राकृतिक रेशे वे रेशे हैं जो रेशों के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रेशे वे होते हैं जो रेशों के रूप में प्रकृति में पाए जाते हैं। प्राकृतिक रेशे चार प्रकार के होते हैं। पहला है आपका सेलुलोसिक रेशे, सीड हेयर्स यानी कॉटन कपोक, बास्ट रेशा जिसे लैक्स यानी लेनिन, हेम जूट कहते हैं, लीफ रेशा जिसे अनानास, अवेक, सीसल कहते हैं, नट हस रेशा इसे कायर यानी नारियल कहते हैं, प्रोटीन रेशा जो जंतु रोम है इसमें क्या आता है, जो जंतु रोम है इसमें आपका आएगा ऊन, विशिष्ट बाल, बकरी, ऊंट, फर रेशा, जंतु स्राव में रेशम आ जाएगा। खनिज रेशे में एस्बेस्टस है, तो पूछा जाता है एस्बेस्टस कैसा रेशा है, तो खनिज रेशा लिख लीजिएगा। और प्राकृतिक रबर, तो आप याद रखिएगा कि प्राकृतिक रेशे चार प्रकार के होते हैं, सेलुलोसिक रेशे, प्रोटीन रेशे, खनिज रेशे, प्राकृतिक रबर। विनिर्मित रेशे, आप में से अधिकतर लोगों ने कपास का फूल जिसमें बीज से रेशे चिपके होते हैं,
तो याद रखिएगा कपास का फूल जिसमें जो बीज है उससे रेशे चिपके होते हैं और अत्यधिक लंबे बालों वाली भेड़ देखी होगी। क्या आप सोच सकते हैं कि सूत और कपड़ा निर्माण में इनका उपयोग कैसे किया हो जाता होगा? फिर भी समझना कठिन है कि विनिर्मित अथवा सिंथेटिक रेशे कैसे तैयार किए जाते हैं। सबसे पहला विनिर्मित रेशा रेयॉन वाणिज्य रूप से सन 1895 में, याद रखिएगा रेयॉन वाणिज्य रूप से सन 1895 में निर्मित किया गया, जबकि अन्य अधिकांश रेशे 20वीं शताब्दी के उत्पाद है। तो अन्य अधिकांश रेशे 20वीं शताब्दी के उत्पाद है। रेशम जैसा कोई रेशा बनाने की मानवीय इच्छा से संभवतः रेशा बनाने की संकल्पना उत्पन्न हुई। शायद उन्होंने यह सोचा कि रेशम का कीड़ा जो शहतूत के पत्ते को खाता है। रेशम का कीड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, लिख लीजिए। रेशम का कीड़ा जो शहतूत के पत्ते को खाता है उन्हें पचाता है अपनी तंतु गीथियों अपनी तंतु ग्रंथियों यानी दो छिद्र से तरल पदार्थ उगलता है जो ठोस होने पर रेशम तंतु फिल्टामेंट कोकून, याद रखिएगा कोकून, बन जाता है। इस प्रकार सेलुलोज पदार्थ के पाचन से रेशम जैसा कुछ निर्मित करना संभव होता है। तो इस प्रकार के पाचन से रेशम जैसा कुछ निर्मित करना संभव होता है और काफ़ी लंबे समय तक रेयॉन को क्रमित रेशा काफ़ी लंबे समय तक जो रेयॉन है उसे क्रमित रेशम अथवा केवल कलात्मक नहीं आर्ट रेशम कहा जाता है। गैर तंतुमय सामग्री को तंतुमय प्रकार से बदलकर सबसे पहले विनिर्मित होने में रेशों को बनाया जाता है। ये मुख्यतः सेलुलोसिक पदार्थ जैसे कपास अवशिष्ट अथवा लकड़ी की लुगदी से बनाए गए हैं। दूसरी कोटि के रेशे को पूरी तरह से रसायन के उपयोग से संश्लेषित किया गया है। कच्चा माल चाहे कुछ भी हो उसे तंतुमय रूप देने की प्रक्रिया समान है। ठोस कच्चे माल को विशिष्ट संयंत्रता के तरल में परिवर्तित किया जाता है। ऐसा रासायनिक क्रिया विलयन ताप अनुप्रयोग अथवा मिश्रण के कारण हो सकता है। इसे चक्रण घोल कहा जाता है। इस घोल को स्पिनरेट बहुत छोटे छिद्रों वाली सीरीज वाले एक छोटे थ्रिम्बल आकार के चंचू से एक ऐसे स्थान में डाला जाता है जिसमें यह ठोस हो जाता है अथवा पतले तंतुओं के रूप में जम जाता है। जब ये तंतु ठोस हो जाते हैं तब इन्हें एकत्र किया जाता है, अधिक सूक्ष्मता तथा अभिविन्यास के लिए ताना जाता है अथवा इनको ताने और बहुल विशेषताओं में सुधार करने के लिए इन्हें पुनः संगठित किया जाता है। तो ये देखिए ये स्पिन रेट है, ये क्या है स्पिन रेट है। आप देख रहे हो विनिर्मित रेशों के प्रकार, तो इसमें आपका पुनर्योजित सेलुलोसिक रेशा, अशोषित सेलुलोसिक एसिटेट, प्रोटीन रेशे, गैर सेलुलोसिक रेशे आते हैं। इसमें आपका खनिज रेशा भी आता है, याद रखिएगा। इसके बारे में हम लोग कल विनिर्मित रेशों के प्रकार के बारे में कल पढ़ेंगे दोपहर 3 बजे की लाइव क्लास में। अच्छी तरह से इसकी एक एक चीज़ को बताएंगे, अच्छी तरह समझेंगे। आज के पार्ट में बस इतना ही। कल 3 बजे क्लास 11 की लाइव क्लास के साथ मिलते हैं। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिए। धन्यवाद।